आगे से भी हो गए स्टार्ट। मैं नू कह रहा खड़ा लोवा बरखा खड़ा लोवा। किसान भाइयों नमस्कार, आज की वीडियो अपनी एक पुराना ट्रैक्टर है, करीबन 61 साल पुराना होगा। यो इस ट्रैक्टर के सारा कुछ बतावेंगे, कितना पुराना, कौन सा ट्रैक्टर है, यो कहां से स्टार्ट हो जाता और कितना लोहा भर रखा है इसमें। और तुमने देख ही लिया होगा, जो वीडियो जो पूरी देख लोगे पता लग ही जाएगा इसमें क्या क्या बतावेंगे। एंड दो जुड़े रहियो और सब्सक्राइब वगैरह कर दियो अगर बढ़िया लगे तो। मैं कोई गलत गुलत बोल गया हो तो उसे माफ ऊफ कर दियो या बता दियो कमेंट में। अब देखो भाई इसका पीछे गुल्ले वाला जुगाड़। एक ट्रैक्टर की चीज़ मुझे अभी पता लगी इसमें, जो है जीटर 25, जो सन 1961 का मॉडल है। और एक और बात बताऊं, जो जोन से हुक है ना, यो जैक वाली है, जो घुमो भी देखो, जो घुमा रहा भाई से। अरे यो ट्रैक्टर आगे से भी स्टार्ट हो जा और पीछे से भी हो जा, आप तुम पूछोगे कैसो। देखो यहाँ भी 30 सीटल है स्टार्ट करने वाली इसमें, और आगे भी डल है, आगे भी दिखा रहा मेरे भी जाओ। सीट भी पूरी एडजस्टेबल है, आगे पीछे का पूरा जुगाड़। वाह माल लग रहा है, वो माल लग रहा है, उड़ जाएगा वो, देखो वहां लग रहा है। देखो कभी हमारा ही पकौड़ा सा बना दे, सुझा देगा सुझा। अरे वो देखो आगे से भी हो गए स्टार्ट। मैं कह रहा खड़ा लोवा बरखा खड़ा लोवा, अब पत्ती में भरा पड़ा अभी। हाँ अंग्रेजों के जमाने की, वो सिर पर टोपी सी नहीं पहनने थे, जो फौज बूज में हुआ करे थे वो टोपी लग रही देख। अरे वे भाई पीटीओ वाला जुगाड़, यो गुल्ली सी खड़ी कर रखी, ये अपनी पीटीओ वाली गुल्ली है। अब दिखाऊंगे तुम्हें इसके टायर, सीट भी तसला सा रखा। हाँ नू कह रहे तसला था, वो नहीं वो गुब्बर गुब्बर होने वाला, वही तसला था। अब देखो भाई इसमें वेट लगा रखे, पुराना ही वेट है, बहुत भारी बहुत जाए इसमें, 65 किलो बहुत जाए इसमें वेटों में। और तकरीबन इसका वेट होगा पूरे ट्रैक्टर का 26 क्विंटल के करीब। बस नू ही कह दूँ, क्या कहूँ, खड़ा लोहा भर रखा खड़ा, जिसे कहते हैं खड़ा, वही तगड़ा ही माल खा के बनाया हुए। पुराने सौदे तो फिर ऐसे ही थे देसी, इनके भी देखो वेट लगा रखा। और टायर देखो पहले कैसे आवे थे, कैसी गुड्डी सी थी, वो टायरों की गुड्डी देखो, आज लो नहीं बने ऐसे टायर, बनने के भी नहीं, आज वाले तो खत्म है, पुराने ही थे जानदार, आजकल के तो खत्म ही हो रहे सारे। दो सिलेंडर आए, सिलेंडर तो दो ही है। अब देखे टायरों की कौन सी कंपनी हो भाई, इस टायरों की कंपनी है अपनी डनलोप ट्रैक्टर, और मेड इन इंडिया। पर तुम्हें पता नहीं इसमें दिखेगा कि नहीं, लिख रहा है इसमें मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया है। 1275/24 के टायर है ना ये। हाँ 1275 के टायर है वो, और वेट भी देखो कैसा लग रहा, आजकल तो ऐसे वेट आते ही नहीं, पूरे ठोस हैं। कई क्विंटल तो इसमें ही होगा, मोटे से में गुल्ले से में चीकना सा हो रहा है, चीकना सा तो है, गुल्ला है किस चीज का, यो मुझे देखे कुछ और जुगाड़ लगाने का होगा गुल्ला सा। भाई वो है अपना स्टेयरिंग इसका, देखो गुल्ली से घुमा के देखू मैं। अरेंगे अपने गैर गूर से इसके, अरे वह इसका इंजन उंजन, ये पुराना पंखा लग रहा है इसमें, सबरा हिल भी नहीं रहा, जो कई साल से बंद ही पड़ा ना ट्रैक्टर, चलाया चलाया तो किसी ने आया नहीं, यहीं कबाड़ में फेंक रखा है पुराना ट्रैक्टर, ये जानदार 25 क्विंटल वजन है इसमें, फुल लोहे से भर रखा, पहले वाले पूरे जानदार ही थे ट्रैक्टर, आजकल तो नहीं है। अरे भाई वो एक और बात, आगे वो बुग्गी का टायर गिर रखे, बस हमें गिरना चाहिए। यो देखो अब इसकी भी कंपनी, कंपनी क्या है, वही है डनलोप ट्रैक्टर के नाम से ही कंपनी है इसकी, पुरानी कंपनी थी वो, उस टाइम यही कंपनी चला कर रही थी टायरों की। अरे भाई ये रोड सी हो स्टेयरिंग घुमाने वाली, अब के ट्रैक्टर में तो ये पीछे हो अपनी, यहाँ को हो, इस वाले ट्रैक्टर में आगे थी, देखो तुम पूरा भी स्टार्ट होगा है, और आगे से तो स्टार्ट हो जा जो बताया था मैंने अभी। इसकी गुल्ली सी पानी डालने वाली, अरे वो अपनी टैंकी, अरे इंगे तो इसके पत्ती भरी पड़ी, अब क्या दिखाऊं, यहाँ लग रहा माल, इससे डरना पड़े नहीं तो मैं सुझा देगा। चलो भाइयों वीडियो अपनी होगी अब बंद,
बढ़िया लगी तो सब्सक्राइब वगैरह कर दियो, लाइक कमेंट कर दियो। ठीक है, नमस्कार।